क्या आपको भी लगता है कि हमारा अर्थ एक स्फीयर है? जी नहीं, हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से दिखता है। इस शेप को हम जियोइड कहते हैं। इंडियन ओशन के नीचे आपको कुछ डिप्रेशन दिख रहा होगा। इस डिप्रेशन को हम लोग इंडियन ओशन जियोइड लो कहते हैं। आइए जानते हैं इंडियन ओशन जियोइड लो कैसे फॉर्म हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले एक पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट था और एक टेथिस सी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट अपने प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट की वजह से और मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट होने की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में टूटती गई, और इस तरह से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक होता गया और ये सारे कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होने लग गई। देख सकते हैं कि इंडिया नॉर्थ के डायरेक्शन में यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करने लग गया है। ये हमारी इंडियन प्लेट है और ये ओशियनिक प्लेट है। इंडियन प्लेट ओशियनिक प्लेट को पुश करता हुआ नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और टेथिस प्लेट एक ओशियनिक क्रस्ट है। हम जानते हैं कि जब एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट एक दूसरे को पुश करते हैं, कन्वर्जेंस होता है उन दोनों के बीच, तो ओशियनिक क्रस्ट क्योंकि ज़्यादा डेंस होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, तो वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट होने लगता है, और सबडक्ट होते हुए जैसे ही ये मेंटल जोन में पहुँचता है, हॉट मेंटल जोन में पहुँचता है, तो ये ओशियनिक क्रस्ट मेल्ट होने लगती है, और मेल्ट होते होते जब ये कोर और मेंटल की बाउंड्री पे पहुंचती है, जो कि इस पूरे मेंटल और क्रस्ट के बीच का सबसे हॉट पार्ट होता है, जैसे ही वो मोल्टन मटेरियल कोर और मेंटल की बाउंड्री पे पहुंचता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाता है और लाइट हो जाता है। लाइट होने की वजह से वो ऊपर उठना स्टार्ट करता है, और पैरेलली हमें ये ध्यान देना होगा कि जब ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, उस समय तक अर्थ का जो क्रस्ट है वो मूव होते होते अब इंडिया की जगह अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ चुका है, इसलिए हम इसे अफ्रीकन सुपर प्लूम बोलते हैं, क्योंकि अफ्रीकन प्लेट के नीचे ये सुपर प्लूम राइज होना स्टार्ट होता है। आइए अर्थ के कुछ इंटीरियर डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। हमारा अपर मेंटल पार्ट जो कि सरफेस से 410 किलोमीटर तक है, फिर हमारा मिडिल मेंटल जोन आता है जो कि 410 से 660 किलोमीटर है, और फिर हमारा लोअर मेंटल जोन आता है जो कि कोर और मेंटल की बाउंड्री तक होता है। इसी कोर और मेंटल की बाउंड्री से अफ्रीकन सुपर प्लूम राइज होता है, जिसमें कि लो डेंसिटी मटेरियल मौजूद है जो कि टेथिस ओशियनिक प्लेट के मेल्ट होने की वजह से जनरेट हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुपर प्लूम के राइज होने के पैरेलल ही हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। इसीलिए जैसे ही सुपर प्लूम मिडिल मेंटल जोन तक पहुंचता है, क्योंकि हमारी इंडियन प्लेट इतनी फास्ट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, तो ये सुपर प्लूम भी उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। सुपर प्लूम भी इंडियन प्लेट की तरफ मूव करने लगता है। मूव करते हुए जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है, यानी ऊपर के क्रस्ट की मूवमेंट बंद हो जाती है, तो इस अफ्रीकन सुपर प्लूम की मूवमेंट भी रुक जाती है, और ये इंडियन ओशन में ही अकुमुलेट हो जाता है, जो कि हमारे इंडिया की बाउंड्री से लगभग 1200 किलोमीटर दूर वेस्टवर्ड साइड में है। क्योंकि इस प्लूम में लो डेंसिटी मटेरियल मौजूद है और ये काफ़ी हैवी अमाउंट में इंडियन ओशन में अकुमुलेटेड है, इसीलिए यहाँ उसका जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी उतना ज़्यादा नहीं है सराउंडिंग से कंपेयर में, और लो ग्रेविटी होने की वजह से जो यहाँ का समुद्र का पानी है वो बहुत ज़्यादा होल्ड, बहुत हाइट तक होल्ड नहीं हो पाता है, इसलिए वो अपने ग्लोबल एवरेज जो सी लेवल है उससे अराउंड 106 मीटर नीचे के लेवल पे रह जाता है। आइए इसको सम अप करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। हमारा इंडियन ओशन जियोइड लो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लो ग्रेविटी का रीज़न है। इस रीजन में ओशन का जो सरफेस है वो ग्लोबल सी लेवल से 106 मीटर नीचे है, और ये पूरा जोन जो है, ये पूरा जोन अराउंड 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है जहाँ पे लो ग्रेविटी है, और ये इंडिया के साउथ मोस्ट पॉइंट से 1200 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्ट की तरफ। इंडियन ओशन जियोइड लो सबसे पहले 1948 में डच जियोफिजिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इंडियन ओशन जियोइड लो अराउंड 20 मिलियन ईयर पहले फॉर्म हुआ था। रिसेंटली आईएससी बेंगलोर के साइंटिस्ट ने इंडियन ओशन जियोइड लो के फॉर्मेशन के रीज़न को जानने की कोशिश की है, और कंप्यूटर सिमुलेशंस के द्वारा ये पता लगाया गया है कि इसका मेन रीज़न उस लो डेंसिटी और लाइटर मटेरियल का इंडियन ओशन जियोइड लो के नीचे होना है,
जैसा कि हमने देखा है कि ये लो डेंसिटी का मटेरियल इंडियन प्लेट के मूवमेंट की वजह से अफ्रीका के नीचे से शिफ्ट करता हुआ इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता है और इंडियन ओशन जियोइड लो को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से उस रीजन में ग्रेविटी कम है और सी का लेवल जो है वो ग्लोबल सी लेवल से 106 मीटर नीचे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।